हे गाइस, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रिसल स्ट्रोक। तो गाइस, आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं अभी से जस्ट कुछ घंटे के बाद होने वाले एनएक्सटी के स्टैंड एंड डिलीवर के नाइट वन के बारे में। यानी गाइस, इस वाले पेपर व्यू के लिए और नाइट वन के लिए WWE ने ऑफिशियल तौर पे कितने बड़े मैचेस को ऑफिशियल तौर पे अनाउंस कर दिया है और उन सारे बड़े मैचेस के क्या रिजल्ट हो सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, कल सुबह में इंडिया में ये पेपर व्यू हमें लाइव देखने को मिल जाएगा सोनी 101 पे और सोनी 103 पे। करीब गाइस 5:30 बजे के बाद से आप इस पेपर व्यू को लाइव देख सकते हो NXT के टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर से। और गाइस, प्रोबेबली ये मैच हमें मेन इवेंट देखने को मिल सकता है फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप इयो सुराई वर्सेस रैकिल गोंजालेस के बीच में। गाइस, जो लोग NXT को काफी वीक से फॉलो कर रहे होंगे उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी राइवलरी कैसे शुरुआत होती है, लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको बता देता हूं। एक नाइट में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि रैकिल गोंजालेस एंड डकोटा के अपने NXT टैग टीम चैंपियनशिप को जब लूज कर देती हैं और किसी से नहीं बल्कि जैसा है गाइस अभी आपको मालूम हुआ, करंट NXT टैग टीम चैंपियंस एम्बर मून एंड सार्जी ब्लैकहार्ट से। और गाइस, वहीं से शुरुआत होती है इस मैच की, यानी कि गाइस और किसी के बीच में नहीं बल्कि इयो सुराई वर्सेस रैकिल गोंजालेस के बीच में। गाइस, काफी रूमर्स आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो स्टैंड एंड डिलीवर ही पेपर व्यू होगा जहां पे ऐसा हो सकता है कि इयो सुराई अपना NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को लूज कर जाएंगी और ऐसा हो सकता है कि न्यू NXT वुमेन्स चैंपियन और को नहीं बल्कि रैकिल गोंजालेस बन सकती हैं NXT के टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर में। और गाइस, सेकेंड मैच, और ये मैच हम सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है पीट डन वर्सेस कुशीदा के बीच में। गाइस, इनकी राइवलरी तो हमें 2 वीक्स के पहले के NXT से ही देखने को मिलती है जहां पे गाइस अचानक से इनकी राइवलरी स्टार्ट होती है। और गाइस, इसी सबको देखते हुए WWE अनाउंस करती है कि NXT के टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर में नाइट वन में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है पीट डन वर्सेस और किसी के बीच में नहीं बल्कि कुशीदा के बीच में। गाइस, ये मैच हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। इस मैच में उतना मजा तो नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी गाइस अगर रेसलिंग वाइज देखा जाए तो इस मैच में काफी अच्छे अच्छे मूव यूज हो सकते हैं। एट द एंड गाइस, इस मैच के विनर की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि इस मैच को और नहीं बल्कि पीट डन जीतेंगे और वो भारी पड़ सकते हैं कुशीदा पे। बाकी गाइस, रहे रिजल्ट की बात तो हमें इंतजार करना पड़ेगा NXT के टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर में। और गाइस, थर्ड मैच, और ये मैच हमें नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलने वाला है फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप गॉन्टलेट इलिमिनेटर मैच। गाइस, जैसा कि अभी आप ओपोनेंट को देख रहे हैं, इसाइव सर्व स्कॉट वर्सेस लियोन रफ वर्सेस एलए नाइट वर्सेस और किसी के बीच में बल्कि डेक्स्टर लोमिस वर्सेस 2 ओपोनेंट और है गाइस, यानी कि गाइस 6 ओपोनेंट है वहां पे। और गाइस, नंबर 1 कंटेंडरशिप का हमें मैच देखने को मिलने वाला है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी इस मैच को जीतेगा यानी कि गॉन्टलेट इलिमिनेटर मैच को जीतेगा वो नाइट 2 में नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए भिड़ेगा और किसी से नहीं बल्कि जॉनी गर्गानो से। आप गाइस कह सकते हो कि ये मैच हमें नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलने वाला है। अगर गाइस पास्ट के 3 या 4 NXT को आपने फॉलो किया होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा इसको कौन जीतने वाला है। तो गाइस, मुझे लगता है कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि डेक्स्टर लुमिस जीत सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि NXT के टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर में नाइट 2 में और किसी के बीच में नहीं बल्कि डेक्स्टर लुमिस वर्सेस जॉनी गर्गानो के बीच में NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिल सकता है। और गाइस, 5th मैच, और ये मैच हमें वैकेड NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है MSK एंड ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स वर्सेस और किसी के बच पे नहीं बल्कि लिगार्डो डेल फैंटास्मा के बीच में। गाइस, मैंने गलती से एंड बोल दिया, लेकिन गाइस ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है फॉर द NXT टैग टीम चैंपियनशिप लिगार्डो डेल फैंटास्मा वर्सेस MSK वर्सेस ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स के बीच में। अब गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये वैकेड का मतलब क्या होता है, यानी गाइस जो पास्ट के हमारे जो NXT टैग टीम चैंपियंस थे ओनेल लोकन एंड डेनी बर्ड्स, वो एक रात में यानी कि एक अचानक से गाइस वो अपने NXT टैग टीम चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। और गाइस, विलियम रिगल अनाउंस करते हैं कि NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है। अब गाइस, काफी रूमर्स आ रहा है कि इंपैक्ट रेसलिंग से आए MSK के सुपरस्टार, यानी कि ऐसा हो सकता है कि MSK टैग टीम इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं। और गाइस, ऐसा हो सकता है कि न्यू NXT टैग टीम चैंपियंस और को नहीं बल्कि MSK बन सकते हैं ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स एंड लिगार्डो डेल फैंटास्मा पे भारी पड़ के। और गाइस, लास्ट मैच, और ये ऐसा हो सकता है ये को मेन इवेंट मैच हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि गाइस को मेन इवेंट मैच हमें देखने को मिल सकता है फॉर द UK चैंपियनशिप, यानी कि गाइस फॉर द यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप वाल्टर वर्सेस टोमासो चैम्पा के बीच में। गाइस, वाल्टर के कंधे पे काफी दिन से यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप है, यानी करीब 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है गाइस। अब गाइस, काफी रूमर्स आ रहे हैं कि ये जो मैच हमें देखने को मिलने वाला है काफी अच्छा हो सकता है, यानी गाइस इस मैच में ऐसे मोमेंट आएंगे कि ऐसा हो सकता है कि इस मैच को टोमासो चैम्पा भी हार जाएंगे
और ऐसा हो सकता है कि इस मैच को वाल्टर भी जीत जाएंगे। लेकिन गाइज काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं कि, और मैंने शुरुआत में आपको बताया कि काफ़ी दिन के इनके कंधे पर रह गया यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप, तो गाइज ऐसा हो सकता है कि हमारे न्यू यूनाइटेड किंगडम चैंपियन और को नहीं बल्कि एनएक्सटी के टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर में टोमासो चैंपा जीत सकते हैं और वो भारी पड़ेंगे वाल्टर पे। और गाइज फाइनली 2 साल के लंबे स्ट्रिक के बाद एनएक्सटी यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप का स्ट्रिक टूट जाएगा वाल्टर का और हमारे न्यू यूनाइटेड किंगडम चैंपियन और को नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है कि टोमासो चैंपा बन सकते हैं। तो गाइज कुछ यही बड़े मैचेस है जिसको WWE ने ऑफिशियल तौर पे एनएक्सटी के टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर के लिए अनाउंस कर दिया है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। बाकी गाइज कमेंट सेक्शन तो आपके लिए फ्री ही रहता है, आप मुझे जाके बता सकते हो कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।